जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र, अभी जिस तरह के प्लान की बात की जा रही है उसमें लॉकडाउन की बात कही जा रही है, वाहनों से पोल्यूशन की बात कही जा रही है, पराली से पोल्यूशन की बात कही जा रही है, लेकिन ये सारी बहस तो शुरू हुई थी दिल्ली में पटाखों को जलाने न जलाने को लेकर, उस पर बैन को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि सरकार भी ये मान रही है कि स्थायी तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार दूसरे कारक हैं और उन पर नियंत्रण ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, देखिए इसमें पहले भी अगर आप देखें तो कोर्ट ने भी ये कहा था कि केवल 10 से 20 फीसदी ही पराली का हिस्सा होता है, उससे जो बड़ा हिस्सा है वो वाहनों के प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन साइड है, तमाम इन चीज़ों से होता है। और ये स्थिति कोई पहली बार नहीं हो रही है, 2015 से लगातार यह स्थिति दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। हालांकि जब ये प्रदूषण जो है खतरनाक स्थिति से वेरी क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है तब जरूर कदम उठाए जाते हैं, ग्रैब सिस्टम लागू जाता है। अभी ग्रैब सिस्टम लागू है जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट को बंद किया गया है, स्कूल बंद किया गया है। वहीं बात करें पिछली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो उसमें दिल्ली सरकार ने कहा ही है कि वो भी लगाने को तैयार है, लेकिन प्रभावी तभी होगा जब NCR के अन्य राज्य में लगाएं। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्योंकि ये जो प्रदूषण का स्तर घटा है जिसकी दलील अभी हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिए दी जा रही है, इसकी वजह हवा है, हवा चली है जिसकी वजह से प्रदूषण जो है उसका स्तर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बात करूँ तो स्थिति बहुत खतरनाक है। दिल्ली की 328 जो है वो दिखा रहा है एक वजह की, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 50 तक अच्छा माना जाता है, 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है, उससे ऊपर खतरनाक ही माना जाएगा, यानी तो कई गुना ज्यादा है, कई गुना अभी भी ज्यादा है। इसका और 300 के ऊपर अगर AQI है तो ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का AQI है जो कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी है। श्रद्धा, आप जहां पर मौजूद है, देखिए एक तरफ अदालत में इस पर बहस चल रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को, दिल्ली NCR के प्रदूषण को कैसे रोका जाए, लेकिन इसी दौरान प्रदूषण की स्थिति क्या है, AQI का मीटर क्या कह रहा है दिल्ली में? देखिए आप कह रहे हैं कि एक और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, यहाँ से रवि आधा किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर बहस चल रही है और वहाँ पर लगातार फटकार लगाई जा रही है कि आखिर कोई भी उपाय क्यों नहीं किए गए, हवाबाजी सिर्फ क्यों की गई। दिल्ली सरकार वहां पर नियम बता रही है कि इस तरीके से हमने रोकने के लिए काम किया, लेकिन सरकार कह रही है आप नियम मत बताइए, आप ये बताइए कि कितनी राहत लोगों को मिली, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम नवम्बर के पहले हफ्ते से बात कर लें और आज की 15 नवम्बर की बात करें, लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सीवियर कंडीशन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बंद हो गया और शनिवार को, चूंकि अमूमन सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, शनिवार को सुनवाई हुई वो भी दिल्ली के पॉल्यूशन पर, और तब ये फैसला लिया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट को 17 नवंबर तक के लिए बंद किया जाएगा। ये देखिए प्रगति मैदान की कंस्ट्रक्शन साइट है और अमूमन यहाँ से ITO, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली सेंट्रल जाने का ये रास्ता है। पिछले एक साल से यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन ये एक्सपर्ट द्वारा, मैं रवि आपको बताना चाहूंगी, लगातार एक्सपर्ट द्वारा ये कहा जा रहा था कि दिल्ली का जो ओवरऑल पॉल्यूशन है उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से जो पॉल्यूट कण जनरेट होते हैं उनका 20 से 30% योगदान है, इसीलिए बंद करना बेहद जरूरी है। और 14 तारीख को ये फैसला लिया गया कि किया जाए, और इसी के चलते मैं आपको दिखाऊंगी कि करीब 300 मजदूर इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि कोर्ट के आदेश आते हैं, सरकार की सफाई आती है, लेकिन जो चीजें दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं वो बदस्तूर जारी हैं और अभी भी तस्वीरों में हम वही देख रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।